शुरू करते हैं। टू द पॉइंट होगा, मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जितना टाइम लूँगा कोशिश करूँगा कि कोई वैल्यू एडिशन किया जाए और ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बल्कि आपकी लाइफ में। इस सेशन का मकसद क्या होना चाहिए, व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव? हमने मेगा प्रोडक्टिविटी बूस्टर इसका टाइटल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बैग उधर रखें, माइंड और पेन पेंसिल, दैट्स इट। और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल यहाँ पे होना है फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली, फिर इस सेशन में आप कुछ ले पाएंगे। सो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जी इस सेशन का? एट द एंड ऑफ द डे हम क्या हमें मिलना चाहिए इस सेशन से? आपने एक्सपेक्टेशन लिखी है, कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, पहला ऑब्जेक्टिव तो आपकी खामोशी से मैंने सेट कर लिया, बताऊंगा आपको। जी ओके, इस स्पेसिफिक सेशन के बारे में अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी बूस्टर के नाम पे ये सेशन है, एक ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करना चाहेंगे थ्रू दिस सेशन। जी एडवांस लर्निंग, ओके शाह साहब आप कुछ कहना चाहें? बड़े लोगों की बड़ी बात। ओके, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन प्रॉपर टाइम के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा सेशन नहीं है जो मुंह में आए वो बोला जाएगा, जो उस एब्रप्ट नहीं है, दिस इज फुली प्रिपेयर्ड सेशन। सो लेकिन जो कुछ होगा वो बहुत दिल से होगा आप लोगों के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई नहीं करवाता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एवेल्यूएट करेंगे कि क्या मेरी नज़र में आपका जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है यहाँ पे, कि हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप जो भी लेवल पे पहले पहुंचे हुए हैं इससे आगे कैसे जा सकते हैं। इज इट करेक्ट? राइट, ओके। लेकिन मेरा ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिव इससे बहुत डिफरेंट है आप लोगों के लिए, खास तौर पे मेरे बस में हो तो मैं आपको कहूं कि 13 अगस्त जो है ना उसको अपने कैलेंडर पे जाके मार्क कर लें, क्योंकि मेरा आपके लिए ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगले 10-12 महीनों के अंदर अगर लोग आपको सेम समझें तो समझें कि आपने कुछ नहीं किया। बिकम अनरिकग्नाइजेबल, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये कहाँ से जहन में आया? पिछले दिनों एक यूके से लड़का आया 4-5 साल बाद, और वो मेरे सामने बैठा है यहाँ पे, और साथ एक और दोस्त बैठा हुआ था, उसकी तरफ देखी जाए कहता यार तू कितना चेंज हो गया है। मेरी बात नहीं कर रहा, वो आपस में बात कर रहे थे, हर चीज़ ही तुम्हारी बदल गई है, तुम पहले ये थे अब ये है। और वो इसी हाल में मौजूद है वो बंदा जिसको वो कह रहा था। ऑनेस्टली दिस शुड बी द टारगेट, बिकम टोटली अनरिकग्नाइजेबल, यानी आज 13 अगस्त पे जो आप हैं, अगले 10-12 महीने में, हम एक दिन में नहीं हो सकता, रात को सोएं दिन को जनाब वो नहीं बन सकते हम लोग, लेकिन रियलिस्टिकली एंड वेरी ऑनेस्टली अगले 10-12 महीने में अगर लोग आपको ये ना कहें कि आप अनरिकग्नाइजेबल हो गए हो, आप बहुत डिफरेंट हो गए हो, यार आपने बहुत इंप्रूव कर लिया है, फिर टारगेट अचीव होगा। दैट शुड बी द स्पिरिट, दैट शुड बी द टारगेट। अपने आप को चैलेंज करें, ये छोटे छोटे गोल छोटी छोटी चीज़ों से निकलते हैं। आपको लाइफ चेंज करने के लिए वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊं, बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, जस्ट वन आइडिया, सिर्फ एक सोच, और वो आपने इस सेशन से ढूंढनी है। ये आपका टास्क है, एक आइडिया सेशन के एंड पे आप इसी स्टिकी नोट पे वहां पे लिखेंगे, मुझे क्या मिला, हाउ आई कैन एक्चुअली चेंज द प्रोडक्टिविटी, नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी बट माई लाइफ एज वेल। ओके ओके, कुछ बेसिक्स मैं आपको इस सेशन के बारे में बता देता हूं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये सेशन सब लोगों के लिए नहीं है। दिस सेशन, दिस प्रोग्राम इज अ वेरी सीरियस प्रोग्राम। मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हूं, मेरा काम आपको इंटरटेन करना नहीं है। वो खबरनाक यूट्यूब पे देखें, यहाँ पे बहुत मूवीज लगी हैं, कैरी ऑन जट्टा लटरम पटरम, वहां पे इंटरटेनमेंट मिलेगी। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रोग्राम, बट ओनली फॉर दोज हु आर सीरियस पीपल, जो वाकई सीरियस है किस चीज के बारे में, हु वॉन्ट टू सीरियसली गो बिग। ये जो आज का सेशन है ये सीरियस सेशन है, इसमें मैं आपको एंटरटेनमेंट करने नहीं आया, जोक सुनाने नहीं आया, आपके लिए, आपको डेवलप करने के लिए आया हूँ, लेकिन
डेवलप वो होंगे, आइडियाज़ उसको मिलेंगे जो अपने लिए सीरियस हैं, और जो छोटी छोटे गोल लाइफ में नहीं सेट करना चाह रहे हैं, वो कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में ये सेशन उन लोगों के लिए है। ओके, नेक्स्ट आपको जो है इस पूरे हॉल के अंदर आप अपने आप को एवेल्यूएट करें। प्रोडक्टिविटी की जब बात आती है, अचीवमेंट की बात आती है, सक्सेस की बात आती है, तो चार तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। आप कहाँ पे, आप इसको खुद एवेल्यूएट कीजिएगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। चार तरह के लोग दो बेसिस पे होते हैं, जिन्होंने रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किए और टाइम कितना स्पेंड किया, राइट? आपको पहले वो लोग नजर आएंगे जो अनएंगेज्ड हैं, ना उन्होंने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किए, ना उन्होंने कोई टाइम स्पेंड किया। और क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से कोई भी इस लेवल पे नहीं है, आपने टाइम स्पेंड किया, आपने सोचा कि मुझे ई कॉमर्स करना है, और ऑनेस्टली अगर मैं आपको कह सकूं, मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि इस हॉल में कम अज कम इस लेवल पे जो लोएस्ट लेवल है उस पर नहीं है कोई भी, लेकिन अगले तीन में से आप जरूर है। अगला लेवल ये होता है कि आपने टाइम, वी कॉल इट ओवरली मोटिवेटेड बट अंडर अचीवर, आपने टाइम बड़ा स्पेंड किया, आपने लर्न बड़ा किया, आपने पैसे भी दे दिए, फीस भी दे दी, सारा कुछ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। आपने जनाब फीस दी, टाइम दिया, आपने सिलिकॉन लैब ली, आपने मैगजीन पढ़े, आपने यूट्यूब वीडियोस देखी, लेकिन जब आती प्रैक्टिकल बात, रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली बात, उस नॉलेज को अप्लाई कोई नहीं किया। और क्योंकि हमने अप्लाई नहीं किया, थ्रेटिकल नॉलेज था खाली, तो हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, हमने वो जो अचीवमेंट लेवल है उसको अचीव नहीं कर पाए। सो दैट इज द सेकेंड लेवल। और थर्ड लेवल जिस पे मैं बहुत अरसा ऑनेस्टली अपने आप को फील करता रहा, दिन रात मेहनत की, फिर जाके चीजें अचीव की, रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए और एफर्ट भी पूरी लगाई। और ऑनेस्टली आप में से बहुत सारे इस लेवल पे शायद होंगे, लेकिन दिस इज नॉट द आइडियल लेवल। ये बहुत अरसा मैं भी इसी लेवल पे रहा हूं, अपने आप को खुपाया, सारा कुछ किया, फिर जाके रिजल्ट प्रोड्यूस हुए, लेकिन ऑनेस्टली मैं अगर आपको देखना चाहूं तो इस लेवल पे देखना चाहूंगा। स्टनिंगली सक्सेसफुल, यानी एक्सेप्शनली बियॉन्ड इमेजिनेशन आप सक्सेसफुल हैं, और आप सुपर अचीवर हैं, जो सोचा वहां तक नहीं गए बल्कि उससे भी अगले लेवल पे गए। मजे की बात है, एफर्ट भी कम लगी। सो दिस इज अ लेवल ऑनेस्टली जिसके ऊपर आपने पहुंचना है। कैसे पहुंचे ये आपने फाइंड करना है। गोरों के साथ जब मीटिंग होती थी, आप यकीन जाने माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। मैं आज कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। 5 मिनट बाद आप मीटिंग में नहीं जा सकते। हमारा सेशन कितनी देर बाद शुरू हुआ? 10 मिनट पे। अगर ये गोरों के साथ सेशन होता है, हमने वो भी सेशन अटेंड किए हैं जहां पे जो बुक राइटर्स थे, ऑथर्स थे, दे आर, मैं आज 2-4 चीजें आपसे शेयर करूंगा। आई मीन इमेंस एक्सपीरियंस था, बहुत इनरिच्ड एक्सपीरियंस था, जिसने यहां से उठाया और यहां पे लेके गए कि आपने सिस्टम कैसे बनाने हैं, रोज खपना है या एक दफा हमने सिस्टम बना के आगे निकल जाना है। सो इस पे हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, दिस शुड बी द परफॉर्मेंस लेवल, दिस शुड बी द टारगेट। और द नेक्स्ट थिंग, इस टारगेट तक पहुंचे कैसे? हम सुपर अचीवर बनना चाह रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं कि 8-10 महीने के बाद लोग सोचें कि यार ये तो टोटली चेंज हो गया। कैसे? एनी आइडिया? अगर हमने सुपर अचीवर बनना है और हमने सीखना है कि भाई यहां इस लेवल पे कैसे पहुंचना है, व्हाट आर द वेज, क्या करें? सॉरी, सिस्टम बनाएं। बिल्कुल सिस्टम बनाने चाहिए, रोज टकरे मारने से बेहतर है एक दफा मेहनत करें, सिस्टम बनाए, आगे बढ़ जाए। और सिस्टम पे बात करेंगे हम लोग। जी, एक्सीलेंट, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, नॉट ओनली परफेक्ट बल्कि प्रैक्टिस मेक्स यू क्या, परमानेंट। ये मेक्स परमानेंट, चीजों को परमानेंट कर देती है, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती है। और प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस एज वेल, कि इसी से आप आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस ओके। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताएं, हम जितना टाइम मीडिया के सामने और इधर उधर स्पेंड करते हैं, अगर आपको मौका मिल जाए, जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा था हेनरी फोर्ड, तो आप उसके साथ गपशप लगा सकें, कितना ज्यादा नहीं सीखेंगे? डेल कार्नेगी के साथ अगर आप बैठ जाएं, आप जेफ बेजोस के साथ बैठ जाएं, तो हम ज्यादा नहीं सीख सकते जो दुनिया के सक्सेसफुल अचीवर्स हैं? क्या हम बैठ सकते हैं?
सवाल ये है, वी कैन, वी सर्टनली कैन, कैसे? बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, बेस्ट आर्टिकल्स हैं, इनसे क्यों ना सीखा जाए। हमारे मेरे पे कम से कम एक नेकी की थी मैनेजर ने, उसने कहा जी कि आपने 100 किताबें पढ़नी है, मुझे लिख के लाओ टाइम मैनेजमेंट पे कौन सी बुक पढ़ोगे आप, टॉप 25 बुक्स लाओ पढ़नी है आपने, टॉप 25 बुक्स लेके आओ डिसीजन मेकिंग पे पढ़नी है आपने। आप, मैं आपको एक बुक का बता देता हूँ, हम हमारे पास सारा कुछ है, ये बुक किसने पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच, जिस दिन ये कैंपस खुला उस दिन मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट की थी, क्यों? क्योंकि इस बुक को जरा आप एक्सप्लोर करें, डेल कार्नेगी अपने पल्ले से, डेल कार्नेगी ये बुक लिखता, अपने पल्ले से एक स्कॉलर को जो है वो हायर करता है, और 500 उस वक्त दुनिया के जो टॉप सक्सेसर्स थे, टॉप अचीवर्स थे, उनके पास भेजता है टाइम लेके पूरी दुनिया में, एक जगह पे नहीं, कि जाओ उनके साथ बैठो और उनसे पूछो कि भाई आपने ये कैसे सक्सेस अचीव की है। 500 बंदे, सबसे वो डेटा लेता है, फिर जाके उसको कंपाइल करता है, उसमें से कॉमन जो पर्सपेक्टिव थे उनको करके फिर बुक लिखता है, फिर उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। यकीन जाने दिस इज अ बुक वी नीड टू, दैट इज वर्थ रीडिंग। एक बुक आपकी 500 बंदों से आपको मिला देती है कि भाई कैसे उन्होंने अचीव किया। लेकिन ऑनेस्टली शायद हमारी उस तरह से रीडिंग की बुक आदत नहीं है। आप इन तमाम लोगों को देखें, अचीवर्स को पढ़ें, इनके आर्टिकल्स पढ़ें, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के पढ़ें, फिर जाके हम डेवलप होते हैं। ऑटोमेटिक डेवलपमेंट मैंने नहीं देखी, ऑटोमेटिक, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं बनता तो आप कैसे ऑटोमेटिक डेवलप हो सकते हैं यार? बाग नहीं बनते, महल नहीं बनते, कोई और चीज़ नहीं बनती, आप एक दिन उठेंगे और अगले दिन प्रोडक्टिविटी गुरु बन जाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। सो आज इस सेशन में लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये इरफान का कंटेंट नहीं है, ये जो बुक्स पढ़ी, जो बेस्ट लगा, जो हैंड रिटन नोट्स बनाए, जो आप खुद अप्लाई किया, वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और ये एक जगह पे नहीं, 100 से ज्यादा हम जगह पे इसको प्रेजेंट भी कर चुके हैं, इसके रिजल्ट भी देख चुके हैं। इब्राहिम फाइबर में मैंडेटरी था कि भाई अगर कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजर है, प्रोडक्टिविटी की ट्रेनिंग के बगैर वो अगले लेवल पे नहीं जा सकता, राइट? रफान मेज में ये मैंडेटरी था, किसी भी लेवल पे हो, और भाई जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे ग्रो करोगे प्रोडक्टिविटी? सो दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड। आपको ऑनेस्टली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, माइंडसेट के मुझे ग्रो करना है भाई, मुझे कुछ अचीव करना है। द सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन, एक दिन नहीं, रोज, बाहर की नहीं, अंदर की मोटिवेशन। और तीसरी चीज आपको चाहिए मेथड्स, तरीकाकार कि कैसे ग्रो करना है भाई। ये तीनों चीजें आपको इस सेशन में मिलेंगी, लेकिन आप अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यहां पे हैं, राइट? एक डिस्क्लेमर कह लें या एक बड़ी चीज, बहुत दफा मैंने देखी है अपने सेशंस के अंदर, जो सबसे बड़ी कर्स है, बीमारी है जिसमें हम अक्सर लोग मुब्तला होते हैं और नॉलेज को लेके, वो ये है, जब हम ये सोचते हैं मुझे तो सब कुछ पता है, जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता है भाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, पता है तो क्या करते हैं आप? जो भी कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपके, इसको हम इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहते हैं, ऑनेस्टली जब भी आपके ये जहन में आए कि यार ये तो मुझे पता है, अपने आप से तीन सवाल जरूर करें कि क्या मैं वाकई करता हूं? पता तो है मुझे, पता होना मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, क्या आप ये करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप से पूछें। अगर करते हैं, दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं, आप मास्टरी लेवल पे हैं क्या? आप उस लेवल को अचीव कर गए हैं जहां पे आपको होना चाहिए? और तीसरा सवाल, अगर यहां पे भी पहुंच गए तो क्या आपके बैंक अकाउंट, आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रूफ करते हैं कि आप वाकई ये करते हैं? सो ये जो इल्यूजन ऑफ नॉलेज है ना, मुझे सब कुछ पता है, इससे निकलना बहुत जरूरी है। खास तौर पे मैं आपसे अभी सेशन शुरू होने से पहले बता रहा हूं। सो ये आपके ध्यान में आएगी, सोचिएगा, पूछिएगा कि मैं ये करता हूं, मेरे रिजल्ट्स जो है वो इसको प्रूफ करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंड कराऊंगा, आपको इंस्ट्रक्शंस पास नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस हैं,
लेकिन कॉमन इन प्रैक्टिस नहीं है। सच बोलना सबको पता है, बोलते मेनी टाइम नहीं बोलते, कॉमन इन प्रैक्टिस नहीं होती है। सो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, आपके ऊपर अगर आप वाकई सीखना चाह रहे हैं, इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू लर्न, मैंने जितना जिंदगी में लर्न किया इन चार तरीकों से लर्न किया, पांचवा तरीका भी मैं आपके सामने, जब आप लर्न कर रहे होते हैं आप सुन रहे होते हैं, आप टोटली आप फोकस होकर सुन रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, स्लाइड्स को देख रहे हैं, आप बात को समझने की कोशिश करते हैं, देखने के साथ आप लिख रहे होते हैं, क्योंकि चीजें भूल जाती हैं। आप दुनिया का, मैंने पिछले दिनों वीडियो में बात कर रहा था, दुनिया का बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ले जाएं, सबसे बेस्ट एक्सपेंसिव प्रोग्राम में चले जाएं, 6 महीने बाद मुझे बताएं आपको कुछ याद नहीं होगा अगर आप लिखते नहीं है। और द लास्ट थिंग, स्पीक आउट। मैंने अभी आपसे सवाल किया, एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ऑनेस्टली हार्डली शाहद और एक हाथ ऊपर गया स्पीक के लिए, ऐसे ही हुआ। आप सबको पता है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, लेकिन बोलने का करेज नहीं है। उसका भी मैं आपके साथ सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर आप अमल करेंगे तो उस पर। अगर आप अपनी जितनी लर्निंग लिसनिंग सीइंग राइटिंग और फिर स्पीकिंग से कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करना हो तो क्या तरीका है? जितना आप देख के सुन के लिख के बोल के सीखते हैं, अगर मैं क्विकेस्ट वे बताऊं कि इसको डबल करने का क्या तरीकाकार है, प्रैक्टिकल अप्लाई करें, यस दैट मेक्स सेंस, और यस दैट इज द पॉइंट, दूसरों को टीच करना शुरू करें, आपकी लर्निंग यहां से उठ के यहां पे चली जाएगी, क्योंकि टीचिंग ऐसे हो नहीं सकती बगैर प्रेपरेशन के। सो ये सारा कुछ करें, अगर उससे भी अगले लेवल पे जाना चाह रहे हैं देन स्टार्ट टीचिंग, और ज़ैनब ने बड़ा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है, एवरी थर्सडे इफ यू वॉन्ट टू टीच एनी थिंग ज़ैनब से राबता करें, बच्चों को सिखाएं, ठीक है। अब जो नहीं बोले थे ये स्लाइड सिर्फ उनके लिए है, क्यों नहीं बोले हम? जब आपसे सवाल किया जाता है, जब मैं आपको कहूंगा भाई इधर आके प्रेजेंट करें, तो ज़ेहन में क्या आता है, मैंने कोई गलती की तो दूसरे क्या सोचेंगे, यही होता है। मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इब्राहिम फाइबर में ना इंजीनियर्स वहां पे बहुत थे, एक दिन ऑडिटोरियम में बैठे हुए, डॉक्यूमेंट्री हमने दिखानी थी, और इंजीनियर कहाँ के, लम्स के, नेस्ट के, यूईटी के, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स के हैं, तो मुझे उन्होंने कहा जनाब आप प्रेजेंट करें, एक डॉक्यूमेंट्री दिखानी, इसमें क्या है। अब यकीन जाने 2 मिनट ही बोला गया मुझसे, 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट्स, जो मैं बोल रहा था मेरी आवाज साथ नहीं दे रही थी, और जहन आगे था जुबान पीछे थी, समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे उस दिन रजा अली अलवी थे, लम्स ग्रेजुएट एमएससी मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने ये बात कही थी, और मुझे ऑनेस्टली इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मुझे कहते ये जो जितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, कितने आपके नमाज जनाजा में होंगे, कितने आपके लिए रो रहे होंगे जब आप मरेंगे, हु विल क्राई एट योर फ्यूनरल, नेवर माइंड द रेस्ट। जो आपके लिए सीरियस नहीं, आप उनको सीरियस क्यों ले रहे हैं? भाई हम यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं, कल को आप पहले जानते थे एक दूसरे को? नहीं जानते थे, इसके बाद भी नहीं जानना, गलतियां होंगी कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम इतना करेज तो लेंगे हम लर्न ही पूरे दिल से करें। जब आपको मौका दिया जाए पहला हाथ आपका होना चाहिए, ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन इस लर्निंग कर्व से, रोलर कोस्टर से आपको गुजरना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, सो ये वो सारी चीजें थी जो हम इस सेशन से पहले जो मैंने आपको बात की थी, माइंडसेट, वो जो लर्निंग माइंडसेट है डेवलप करने के लिए जरूरी था। मैं 3 चीजें सिर्फ आपसे शेयर करूंगा, जो खाम ख्यालियां हैं, जो हमारे ज़हन में गलत फहमी है, प्लीज इसको माइंड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं, गुस्सा कीजिएगा, ये माइंड कीजिएगा कि मुझे ये नहीं करना। प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ गलत फहमियां हमने पाली हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 3 मैं आपके सामने रखूंगा। पहली, हमें ये बहुत अच्छा लगता है बिजी होना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं बड़ा बिजी हूं, मैं बड़ा, मतलब आपको ग्रेसफुल अपना आप लगता है, ऐसा लगता है लोगों को आपको, आपकी जरूरत है, लोग आपके पीछे फिरते हैं, आप अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। डू यू रियली थिंक कि सिर्फ बिजी होना या लुक बिजी अच्छी पॉलिसी है? बहुत सारे लोग बिजी बीइंग बिजी हैं और रिजल्ट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमें बहुत अच्छा लगता है लोग मेरे पीछे फिर रहे हैं जनाब, लेकिन ऑनेस्टली ज्यादातर जो बिजीनेस है ना,
वो क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड नहीं होते उसकी वजह से होती है। बिजीनेस का मतलब आप गेमिंग में बहुत बिजी हैं, क्या ये प्रोडक्टिव है? आप जनाब सोशल मीडिया पे बड़ा बिजी हैं, पॉलिटिकल पोस्ट में, क्या वो है उसमें कोई प्रोडक्टिविटी? आप इधर उधर भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट कोई नहीं है, ये कैसी मतलब प्रोडक्टिविटी है? सो पहली चीज़ ध्यान में रखें, जहाँ पे लोग लेजी होके टाइम ज़ाया करते हैं वहाँ पे उससे ज़्यादा बिजी होके टाइम ज़ाया करते, ऐसी चीज़ें जो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हम मिसमैनेज कर रहे हैं चीज़ें इसलिए हम ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न नंबर वन। तो इसको, इस खाम ख्याली को हमें निकालना है। दूसरा, बहुत सारे लोग अपना जो मेजर टाइम है, की टाइम है, वो माइनर चीज़ों में लगा देते हैं, फजूल चीज़ों में जिनकी वैल्यू कोई नहीं। आप पूरा जनाब आप वीक यहाँ पे आए और आके कख नहीं किया, गप्पे लगाए, इधर चले गए, उधर चले गए। हम अपना मेजर टाइम, बहुत सारे लोग जो है दे आर स्पेंडिंग मेजर टाइम ऑन माइनर थिंग्स। ओ भाई हम यहाँ पे क्या करने आए, डू वी रियली क्लियर, आर वी रियली क्लियर? मुझे, मैं ये बच्चा बैठा हुआ है माज, मैं इसको सिर्फ एक असाइनमेंट दी है, मैंने कहा यार मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगना है जिस दिन आपने मुझे इनकार करना सीखा, मैं जो कहता हूँ इसकी जान पे बन जाती, भाई सीखें। अगर मैं आपको माइनर चीज कहता हूँ तो उसको स्केड्यूल करें, भाग दौड़ नहीं लगानी। लास्ट चीज, और ये अदीब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि पिछले दिनों मेरी इनसे बात हुई थी, प्रोडक्टिविटी का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये गलत फहमी भी जहन से, दिमाग से निकाल लें, ये गोल्डन रूल है। आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप उसमें हमेशा याद रखिएगा, मुझे कभी भी आप जो भाग दौड़ करते हैं ना, ये इंस्पायर नहीं करती, रिजल्ट दिखाओ यार, आप कितने किलोमीटर इधर भागे, कितने इधर भागे, कितना ये कर लिया, कितना वो कर लिया, मुझे नहीं इंस्पायर करते। रशिंग मैंने 2 मिनट में किया या 12 घंटे में, मेरा सरदर्द नहीं है, मुझे रिजल्ट दो यार। ओके, सो अगर आप वाकई प्रोडक्टिव होना चाह रहे हैं तो छोड़ दो मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बहुत कुछ किया, भाई रिजल्ट बताओ, रिजल्ट मैटर करते हैं, एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज, मुझे ये भी नहीं मैटर करता कि आपने भाग दौड़ कितनी की, मूवमेंट नहीं भाई, अचीवमेंट बताओ मुझे। लोग कहते हैं कि मैंने बड़ा 6-6 महीने मैंने टाइम स्पेंड कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो भाई मुझे बताओ अचीव क्या किया। अचीवमेंट, जब प्रोडक्शन की बात आए, जब प्रोडक्टिविटी की बात आए, भाई रिजल्ट की बात करो, भाग दौड़ की बात ना करो, इधर उधर की नहीं। और जब अचीवमेंट दिखाओ यार, मूवमेंट से मुझे कोई गर्ज नहीं है। द थर्ड थिंग इज, हर एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी नहीं है। मैंने सुबह से इतने तीर मार लिए, ये मुझे मैटर नहीं करता, मुझे ये बताओ प्रोडक्टिव काम क्या किया। सो दिस इज द गोल्डन रूल। आप होलसेल एफबीए में आए, अमेजोन में, आपने प्रोडक्ट लॉन्च की या नहीं की, दिस इज द रिजल्ट आई वॉन्ट। आपने कितनी प्रोडक्ट लॉन्च की, दिस इज द अचीवमेंट आई वॉन्ट टू सी। आप कितने प्रोडक्टिव हैं, कितनी प्रोडक्ट्स आपने लाइव की, दिस इज माई कंसर्न। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आपने जनाब समुंदर पार बैठ के की हैं या इधर बैठ के की हैं। सो प्रोडक्टिविटी के मामले में आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये मूवमेंट इंस्पायर नहीं करती, इधर उधर आना जाना इंस्पायर नहीं करता, रिजल्ट। सो अभी मैंने काफ़ी आपका टाइम ले लिया, अब आते हैं आपको मैं सुनना चाह रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी किलर, कहाँ पे हम अपने टाइम की तबाही उतार रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की क्या मैं कहूँ दफन कर रहे हैं आप लोग। सोचें, आपस में डिस्कस करें, आप चार बंदे हैं, आप चार हैं, आप चार, और ये चार चार के ग्रुप बने हुए, आपस में डिस्कस करें, देन आपके ग्रुप में से मैं किसी भी एक बंदे को यहाँ पे बुलाऊंगा और फिर जो मेरे लिए प्रोडक्टिविटी किलर है मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ, हम सारे मिलकर सीखेंगे। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, सिर्फ 2 एरियाज जहां पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो एरिया जिसकी वजह से, वो काम जिसकी वजह से आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, आपने यहाँ पे शेयर करने। और 4 लोग अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि प्रेजेंट कौन करेगा। क्लियर? सिर्फ 2 एरियाज आपने आइडेंटिफाई करने, यू हैव 5 मिनट्स टाइम।
इज ओवर और शुरू करते हैं। हर ग्रुप में से मुझे एक बंदा पिक करना है और वो याद रखें, वो स्लाइड फ्यूनरल वाली अप्लाई करने का टाइम आ गया। ओके, इस ग्रुप से इधर से शुरू करते हैं। राशिद भैया प्लीज प्लीज, आप अली आ जाओ, आप भी आओ इधर, आप भी सर दोनों आप आए, आप आए प्लीज इधर। कुर्तुल एन आप आए प्लीज, और आप प्लीज, और यहाँ से सर जी आप, क्योंकि मेरी तरफ देख कॉन्फिडेंस बंदे को वो किलर है। दूसरा जो ओवर थिंकिंग, जो बस सोचता रहता है, जबरदस्त। ये दो चीजें जो है ना मेन प्रोडक्टिव किलर है, जबरदस्त। आई होप सारे सुन रहे होंगे। मैं पूछूं क्या कहा है राशिद साहब ने? ऊंचा बोलना, ऊंचा, इसका मतलब आप नहीं सुन रहे, तो पूछा क्यों नहीं? लास्ट टाइम आपके लिए रिपीट कर रहे हैं, मैं किसी से पूछ सकता। ओवर थिंकिंग, सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं, और सम टाइम ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे पता है भाई सारा कुछ, ये दो चीजें हमारी तबाही उतार रही है, और आई डू अग्री, थैंक यू वेरी मच। अली सर, सोशल सर्कल जो मतलब के जो हमारे काम के अलावा होता है सोशल सर्कल, उस पर हम टाइम जाया करते हैं। सोशल सर्कल बिल्कुल, और सोशल मीडिया, मतलब अगर सोशल मीडिया पे हम प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर कुछ सीखते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ फजूल तो वो। एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट। सोशल सर्कल और सोशल मीडिया, सर्कल का वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया, हमारे दोस्त भी हमारी तबाही उतारते हैं, बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया जी सर, एक तो ये कि हम बेसिक चीजों की तरफ रहते हैं आगे, यानी उसके बढ़ते नहीं है, स्टार्ट पे ही रहते हैं, यानी बार बार उसी को हम करते हैं। Exactly. और एक जो है कि हम माइनर जो चीजें हैं छोटी मोटी, या जो मतलब प्रैक्टिकली नहीं हम उसको करते, बस ये सोचते हैं कि हमने बस हमें आता है। बिल्कुल, आई डू अग्री, थैंक यू वेरी मच। पूछो दोबारा, आपसे पूछो दोबारा, नहीं जी। अपने गोल जब हम अचीव करने जा रहे होते हैं, हम पहले सोच लेते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसे करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इतना हमें नहीं आता, क्योंकि हमने थोड़ा सा सीखा होता है और हम समझते हैं कि हम काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं। और दूसरी ये चीज, अपनी जर्नी में काफी हर्डल्स आती हैं अपना गोल अचीव करते, छोटी छोटी चीजें फिर जो हमें कंफर्ट जोन में आने देती हैं, यानी कि जो हमें फायदा देती हैं उस टाइम, तो ये चीज हमें अपने गोल से हटा देती है। एक्सीलेंट पॉइंट, और इस पे बात करेंगे हम, मास्टरी के लेवल पे ऑनेस्टली पहुंच ही नहीं पाते। हम शुरू में समझते हैं कि भाई हम, हमें आ गया सारा कुछ, मास्टरी का लेवल अचीव। और दूसरा अगेन बहुत ही अच्छी टर्म यूज किया, कम्फर्ट लेवल से लर्निंग लेवल, लर्निंग जोन में जा ही नहीं पाते, कम्फर्ट जोन में रहते हैं जी। अब मैं अपने प्रोडक्टिविटी किलर आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वही चीजें जो आपने ऑलरेडी बताई। शाह साहब प्लीज, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत वैलिड पॉइंट है, और आई डू अग्री, थैंक यू वेरी मच, आपने वैल्यू एडिशन की, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थैंक यू शाह साहब। टाइम कहाँ पे तबाही फेर रहे हैं? लेट्स अज्यूम, मैं अपना टाइम बताता हूँ, मुझे आप किसी सेशन में नहीं देखेंगे, आपके ट्रेनिंग सेशन में वो मोशन से बेहतर कोई करवा नहीं सकता। मैं अभी जाके वहाँ पे आपका भी टाइम खराब करूँगा, अपना भी। एसएल में कभी मुझे उस तरह से नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़ैनब शी इज़ द एक्सपर्ट। तो मैं कोशिश करता हूँ अपना टाइम बचाने की, वहाँ पे लगाने की जहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन हो मेरी लाइफ में बाकियों के। लेट्स अज्यूम आप ऑफिस बैठे हैं, एक आपके बहुत अच्छे दोस्त आते हैं, चलो दोस्त नहीं आप, कोई अजनबी आता है, आपके ड्रॉ से पैसे निकालता है और जलाना शुरू कर देता है, क्या करोगे आप? और नोट भी 5,000 के हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, दराज में पैसे पड़े हैं, वॉलेट में, पर्स में, और आके वो नोट जलाना शुरू कर देता है, क्या करोगे जी? 5,000 का नोट है, कितने के जलाने दोगे उसको? सॉरी, आराम से प्यार से यार बैठ बता पहले ये, सॉरी पकड़ लोगे, 5,000 है भाई जी, है दौड़ दे तो कैसे पता चलेगा 5,000 जलाने आया, मेरे पैसे जलाने आया, एक दो नोट तो जलाने दे यार, नहीं जी, कोशिश करेंगे। ओके ग्रेट जी, क्या करोगे अदीप? फिर भी जला रहा है, फिर क्या करोगे, फिर पागल ही? ओके जी, ओके आप,
तो तेरे से इजाजत लेके उसने चलाने है भाई। अगर लेट्स अज्यूम मेरा आपका रिलेशन है रिस्पेक्ट का, मैं आपके पास आता हूँ, आपको मेरे पे अतबार है, जहना बात ही है, तू तो डरते बोलेगा ही नहीं यार, तो वो पैसे जलाना शुरू करती, क्या करोगे? कितने के जलाने दोगे? ओके राइट मैडम, जितना मर्जी बस तबाह कर दे। ओके जी, इधर से नहीं करता, अच्छा बिशाक जो मुझे तड़ी लगा रहे। ओके तेरे लिए मशवरा दिया, मानना नहीं। सर जी, पैसे या टाइम, इंपॉर्टेंट कौन सी चीज ज्यादा है, पैसे या टाइम? सर जी इधर अलग सेशन चल रहा है, इधर अलग चल रहा है। पैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है या टाइम? ओके दैट मेक्स सेंस। पैसे नहीं जलाने देते। और वो उसने तो तड़ी भी लगा दी बेशक मालक हो, पैसे नहीं जलाने देने, टाइम जितना मर्जी तबाह करा लो, होता है? तो रियलिस्टिकली इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दे रहे हैं आप? सिर्फ थ्रेटिकली वो 1748 में किसी ने बोला था, फ्रैंकलिन, मैं नाम भी भूल गया है, इतना पुराना बंदा है, कि टाइम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। लेकिन ऑनेस्टली आपने अभी देखा है सीन के अंदर, पैसे नहीं हम जलाने देंगे, चुराने भी नहीं देंगे, जो चुराएगा उसको क्या बोलते हैं, चोर। ATM किसी को दोगे अजनबी को? टाइम जितना मर्जी ले लो। ऑनेस्टली ये क्या लिखा हुआ है, पैसे जला रहे हैं ना, टाइम रोज जल रहा है कि नहीं, वेस्ट हो रहा है कि नहीं? दिस इज हैपनिंग। अगर आप अपनी लाइफ में गौर करें, ऑल डे एंड एवरी डे हो रहा है, एवरी डे। और मजे की बात है, जो पैसे चुराता है वो चोर, और यू आर बीइंग रॉब्ड डेली, आपके चोरी हो रही है, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, यार कोई नहीं, खैर है, डेली चोरी हो रही है, और चोरी भी हम ऑनेस्टली एक दूसरे की कर रहे हैं टाइम की, हो रहा है? और हम, मजे की बात है, कोई अलार्म नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं अंदर कि हमारे कोई यार तबाही फिर गई है, पैसे चोरी जलाने के लिए कोई आया तो जान पे बन गई, लेकिन टाइम चुराने पे आया तो हमें फील भी नहीं होता ऑनेस्टली। ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ये है हमारी, रियलिस्टिकली अगर आप देखो यही रोज हो रहा है। और मजे की बात है, ना सिर्फ हमारी, दूसरे चोरी कर रहे हैं जो इधर आपस में बैठे हुए, हम भी अपने अपने टाइम की चोरी कर रहे हैं, हम भी अपने साथ इस रॉबरी में शामिल हैं। क्या हो रहा है ये सारा कुछ? आप देखें, हर बंदा, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है मेरे मोबाइल की रिंगटोन कौन सी है, मुझे नहीं याद। कितनी दफा मोबाइल आप दिन में चेक करते हैं, टच करते हैं? तकरीबन कितनी दफा? तकरीबन रिसर्च ये कहती है, और पुरानी रिसर्च है, 5600 दफा, और तीन अगर साल पहले चले तो 2600 से ज्यादा दफा। कौन सी हम जनाब वहां पे वो सुपरमार्केट खोल के बैठे हुए? और मजे की बात है, हम में से 4 घंटे तकरीबन डेली मोबाइल की नजर हो जाते हैं। सोशल मीडिया वाली ने जो बात की, 4 घंटे का मराद ये है कि अगर आपकी 72 साल उम्र है तो 8 साल आप इसको दे देते हैं सोशल मीडिया। लोगों के कमेंट देखते रहते हैं, यानी मुझे किसने लाइक किया है, इसने क्यों नहीं किया, उसके बर्थडे पे इतने लाइक क्यों आए, मेरे क्यों नहीं आए, ये चल रहा है। हमारा जनाब 67% लोग ऐसे हैं, ओ भाई कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, कोई अलर्ट नहीं आया, फिर भी देखी जा रहे हैं, पहली ना मिस हो जाए, ऐसे हो रहा है, पता नहीं कहां पे चले गए हम लोग। और फिर सुबह उठते हैं, 80% लोग पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल की तरह, यार ऐसे होता है उस्मान, आप बाहर है, हाँ ओके, अलार्म बंद करना होता है, हाँ अलार्म के बगैर नींद नहीं आती, क्योंकि गोल बहुत छोटे हैं भाई के। ओके ये हो रहा है,
अब रियलिस्टिकली अगर आप इसका इम्पैक्ट आप अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर देखें, पहले वीडियो देख लेते हैं, ये इसके ऊपर है उस्मान के, लेट्स सी। ये हालात हैं हमारे, और हम फिर हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया, लुक बिजी डू नथिंग। अब इसका इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या आ रहा है? यकीन जाने मैं कल एक कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो बहुत महंगा प्रोग्राम था और मैंने उसको बड़े तरद्दद से कहीं से डाउनलोड किया, और एक फैक्ट जब उसने शेयर किया ना तो आई वॉज शॉक्ड। 2003 तक जितनी हिस्ट्री डिवेलप हुई है, जितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज डिवेलप हुआ है, उससे डबल नॉलेज कितनी देर में डेवलप हो रहा है, कोई गैस करे। जितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज डेवलप हो चुका है पूरी दुनिया जब से बनी है 2003 तक, उसके बाद वो डबल होना शुरू हुआ कितने अरसे के बाद, सिर्फ एक दिन के अंदर 24 घंटे में जितना आपका प्रीवियस नॉलेज होता है वो डबल हो जाता है ड्यू टू इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, सारा कुछ। लेकिन हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज हम उस टाइम स्पैन के अंदर हैं जहां पे ऑन एवरेज हर 3 मिनट के बाद कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जरूर होती है। कोई आ जाएगा, सर मुझे टाइम दे, कोई आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, कोई टेक्स्ट आ जाएगा, अलर्ट भी तो हमने सारे किए हुए हैं भाई आने चाहिए मुझे। कोई कभी एरोप्लेन, एयरप्लेन आप बोलते हैं, कभी एक्सपीरियंस किया आपने एयरप्लेन? कितना सुकून होता है लाइफ में। अब जरा 35 यकीन करें, अब मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन आ रहे हैं कि यार मोबाइल से जान छुड़ाने के लिए मोबाइल पे एप्लीकेशन आ रहे हैं कि कोई अलर्ट मुझे ना आए। लेकिन हमें हर अलर्ट चाहिए, हर डिस्ट्रैक्शन, हम इनवाइट करते हैं, मैग्नेट बने हुए, और जो सूरत हाल हर 3 मिनट के बाद हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो काम आप कर रहे होते हैं उस काम पे दोबारा आने के लिए आपको कम अज कम 11 मिनट चाहिए होते हैं, वो जो फ्लो है, जो मोमेंटम है, वो बन ही नहीं पाता। यहां तक भी हो तो खैर है, 11 मिनट में कुर्बान कर सकता हूं आपके लिए, आप दूसरों के लिए, लेकिन 40% ऑफ द टाइम जो आप काम कर रहे होते हैं वो वैसे ही नहीं होता दोबारा आपसे। क्यों ये कमरा? ऑनेस्टली क्योंकि मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, ऑनेस्टली हमेशा ऐसी आंखें बंद करके और आपस में डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता हूं, किस चीज को किसके साथ आपने रिलेट करना है, कैसे आपने सिस्टम डेवलप करना है। वो जो स्टेट ऑफ फ्लो है ना, जहां पे आप टाइम उससे निकल जाते हैं, वो डेवलप ही नहीं कर सकते आप जहां पे इतनी डिस्ट्रैक्शन। आप में से मुझे साइकिल चलाने का बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि वाले साहब मुझे 50 रुपए देते थे कि जनाब क्लिनिक पे जाओ, 8 किलोमीटर दूर है, 50 रुपए दूंगा, पॉकेट मनी नहीं मिलनी, जाओगे तो मिलेगा। लेकिन उससे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आप लोगों ने अक्सर चलाया होगा, अगर आप हर मिनट के बाद साइकिल को ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दें तो ज्यादा जोर नहीं लगेगा, ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगी, मोमेंटम क्या बन पाएगा? भाई वहां पे नहीं बन पाता, यहां पे कैसे बन पाएगा, प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं? मेरा काम खत्म हुआ है, मैं उठता हूं उसके पास कि भाई मुझे ये करा दो, तो वो ब्रेक नहीं लग रही वहां पे। वो जो फ्लो स्टेट है, वो जो प्रोडक्टिव स्टेट है, आप बड़ी मुश्किल से एक थॉट के ऊपर पहुंचे, बंदा आया, फोन कॉल आई और वहीं से जीरो फिर दोबारा। इसीलिए ये जो SL है, ये जो सारा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार दूसरों का भी ख्याल करें। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसको भी प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। ये जो साइकिल की ब्रेक लग रही है ना, इसको कम करने की जरूरत है। और